उत्तर प्रदेश सरकार में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सरकार को एक महीना सर पूरा हो चुका है, क्या कुछ प्रगति हुई है और आगे किस तरह से काम होने हैं? देखिए, अभी एक महीना हम लोगों को मंत्री हुए, आज 25 तारीख को ही हम लोग, पिछले 25 मार्च को हम लोग मंत्री पद की शपथ लिए थे। अभी हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रेजेंटेशन लिया सभी मंत्रियों को, सभी विभागों का। हम लोग सभी विभागों के बारे में हम लोग को एक मोटा मोटा जानकारी हुई कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, उसके कर्मचारी कितने हैं, अधिकारी कितने हैं, एक सभी लोग एक दूसरे के बारे में जानने बहुत अवसर मिला। दूसरा, हम लोगों ने एक प्राथमिकता, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप लोग अपनी विभाग की प्राथमिकता तय करिए कि 100 दिन में क्या करेंगे, 6 महीना में क्या करेंगे, 2 वर्ष में क्या करेंगे, 5 वर्ष में क्या करेंगे। तो एक मोटा मोटा खाका हम लोगों ने बनाया है सभी विभाग के लोगों ने कि 100 दिन में, और 100 दिन के लिए बहुत सभी लोगों ने अपनी प्राथमिकता, जो जनता से जुड़े हुए जो कार्य थे उसको प्राथमिकता को लेकर के 100 दिन में हम लोगों ने लिया है। 100 दिन के बाद आपको देखेंगे कि जो बहुत सारे जो हम लोगों ने अपने प्राथमिकता लिया है उसको पूरा करेंगे। मंत्रियों को गांव-गांव रहने के लिए कहा गया है, क्षेत्र में रहने के लिए कहा गया है, अब कल से ये सब शुरू भी हो रहा है? नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप ऑफिशियल काम भी करिए, 4 दिन अपने विभागीय काम करिए, 3 दिन अपने क्षेत्रों में जन जाकर के लोगों के बीच में भी काम करिए, क्योंकि सभी मंत्री का दायित्व है जनता से जुड़े रहने के, जनता की समस्याओं को समाधान करने के लिए। तो नजदीक जाकर के, फील्ड में जाकर के आप यदि जाएंगे, वहां पर जो चीजें आपको अनुभव होगा वो जो है लखनऊ में बैठ करके वो प्राप्त नहीं हो सकता है। और सभी अभी माननीय हमारे कैबिनेट मंत्री जो है हर मंडलों में अभी जाएंगे और 3-3 दिन रहेंगे। कैमरामैन अरशद के साथ सीमा अब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।